Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. This is me, Zainab Faisal. Welcome to my next video. So, जैसा कि आप ये शक्ल देख के कह सकते हैं कि मेरी ईद स्टार्टिंग अच्छी बिल्कुल भी नहीं हुई है, क्योंकि हर ईद पे ऐसा होता है कि मेरी मुंह पे यार मेहंदी लग जाती है. सही है, ये देखो हाथ चेक करो, मेरा पूरा का पूरा हाथ मेहंदी से भर चुका है. पता नहीं है मेहंदी कैसी थी, कलर उतारने लग गई है. और मेरे साथ हर ईद पे यही होता है कि मेरे मुंह पे मेहंदी लगना इज परमानेंट. तो खैर, अभी मैंने सुबह 9 बजे पहले उठी हूँ. अभी तो खैर पता नहीं 2 बजे, मैं 9 बजे सुबह उठी हूँ. राबे ऐसे ना क्या है, राबे ऐसे तैयार हो रही है. मैं देख रही हूँ सबकी शक्लें कि भाई ये तैयार क्यों हो रही है. मैंने कहा ज़ैनब सो जा, तो थोड़ी देर सो जा फिर उठेंगे. मैं सो गई, फिर मैं उठी. अब उठी हूँ जाके, मैं अब मैं ज़्यादा तैयार होने लगी हूँ. और मैंने बाहर देखा कि फातिमा अपना शूट भी करा चुकी है. मैंने कहा इतनी फास्ट सर्विस चल रही है. खैर अभी हम लोग तैयार होना स्टार्ट करते हैं. अपने तैयार होते होते दिखाऊंगी अपनी लुक, दिखाऊंगी सब दिखाऊंगी. और आज का जो ब्लॉग है वो ये होएगा, मतलब ईद का ही है, लेकिन ये होगा कि सबसे मुझे कितनी ईदी मिली. लेट्स गो. ओके गाइस, सो यहाँ मम्मी जी भी रेडी हो रही है. यहाँ से मैं ही घर में हूँ जो नहीं रेडी हो रही हूँ, मतलब मैं खड़ी हुई हूँ बस. मामा जी, ओ माय गॉड, मामा को तो चेक करो, खुद तैयार हुई है ये. मामा आपने आईब्रोज को कुछ करने लगी थी ना, यहाँ पे लग गया है कुछ. कोई बात नहीं यार, मम्मी जैसी होती है, इट्स ओके. लेकिन मामा आप मुझे बताया, आप मुझे कितनी ईदी दे रही है. ईदी पापा देते हैं, पापा है नहीं. यार ये क्या गलत बात है, पापा यूएसए में बैठे इंजॉय कर रहे हैं और ईदी कौन देगा मुझे, ऐसा गलत बात है. मैं तैयार होके आऊंगी पूरी, मुझे ईदी चाहिए आपसे. वो सरप्राइज है, फिर बताऊंगी जब दूंगी ना तब दूंगी. तो तुम अभी तैयार नहीं हुई. वही तो मैं कह रही हूँ यार, मैं कल के कपड़े ही पहने हुए. सही यार, मैं सो गई थी और मेहंदी भी मम्मा देखो मुंह पे लग गई है. जी मैं कैसे दिखाओ, ये तो वही ड्रेस है जो पापा ने आपको दिया था. हाँ उन्होंने भेजा था, वही मैंने पहना है. क्या बात, इसको कहते हैं प्यार. अच्छा मुझे भी कोई दे दे तो मैं पहन लेती. हाँ अच्छा लग रहा है मम्मा. अभी पापा से भी वीडियो कॉल पे बात करूंगी. ये पापा से भी वीडियो कॉल पे बात होगी. क्या मुझे भी कोई ड्रेस दे देता था, मैं भी पहन पहन लेता. लेकिन मुझे तो खैर मैंने खुद ही फिर ले लिया. अब पहनते हैं ड्रेस, पहले ड्रेस नहीं, पहले तो मेकअप करते हैं. मैं मेकअप करते हुए आपको थोड़ा बहुत ही दिखाऊंगी, क्योंकि गाइस मेरे मेकअप स्किल्स कुछ ज्यादा खास नहीं है. बहुत गंदा होता है, नहीं अच्छा होता है मेरा मेकअप. खैर चुप करो. ओके गाइस, सो अभी हम मेकअप करेंगे. सो सीरियस टॉपिक पर आ गई हूँ, मेरा गला पता नहीं क्यों बार बार पीछे क्यों आ रही हूँ भाई. अच्छा अभी हम तैयार होते हैं तो लेट्स गो. ओके गाइस, सो मैंने तो अपना ठिकाना ढूंढ लिया, यहाँ मेकअप करने का सही है. अब राबे मैडम आई है, इसने अपना मेकअप कर भी लिया. दिखाओ अपना मेकअप. अभी नहीं हुआ, अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी मत कुछ करो. हाँ मेकअप यार कंप्लीट करिए. खैर राबे ये वाले लेंस कैसे है, मैं ये वाले लेंस पहन रही हूँ. देखो आपको बताती रहूंगी क्या क्या करना है. खैर लेट्स गो. राबे मम्मी मुझे ईदी भी देनी है, भूलना जाना. ठीक है सब, एक ही तो मेरी छोटी बहन है उसी को तो दूंगी. ये जब तैयार हो जाऊंगी पूरी तब मुझे ईदी देना. लेट्स गो गाइस, मैंने मेकअप अपना कर लिया हुआ है, बेस चेस लगा ली, सब ये कर लिया, सब बहुत प्यारा मेकअप हो चुका है. सही है, कपड़े पहन के और भी प्यारा लगेगा. मैंने लिपस्टिक भी लगा ली हुई है, चुका है स्किन सी. मस्कारा तो लगाने की जरूरत ही नहीं है, बिकॉज मेरी नेचुरल, यू नो नेचुरल नहीं यार, लैश एक्सटेंशन. खैर हम लोगों ने आई मेकअप तो करना नहीं है, थोड़ा सा ऊपर लगा लेंगे. और अभी हम लोगों ने रेडी वेडी होना है. ये लड़की रेडी हो चुकी है, दिखाओ अपनी लुक. लुक पूरी वाव, वो तो दिखाओ शक्ल, प्यारी लग रही है, बहुत लग रही है, मजाक कर रही हूँ प्यारी लग रही है. मैंने भी लेंस पहने थे लेकिन पहने नहीं. खैर कोई बात नहीं, हम ऐसे ही अपने बालों को कर लेंगे. अब बालों का क्या लेना देना लेंस. ओके गाइस, फाइनली मैंने कपड़े पहन लिए हुए हैं, ये मेरे ड्रेस है, प्यारी लग रही हूँ ना, आई नो. खैर मैंने बाल ऐसे ही बनाने हैं, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रेट वगैरह करती हूँ, इसको डिजाइन करती हूँ. बाकी यार मुझे बहुत सब कुछ प्यारा वगैरह लग रहा है. शुक्र है मेहंदी यार मैंने छुपा दी अपनी, नहीं तो वो नजर आके ना उसने मेरा गंदा कर दिया था. लेकिन खैर अब मेहंदी मैंने छुपा दी है, बेस वगैरह लगा के, फाउंडेशन लगा के. तो अब हम करते हैं अपने बालों का स्टाइल और फिर नीचे जाते हैं सबको देखते हैं. ओके गाइस, सो फाइनली मैं तैयार हो चुकी हूँ. ठीक है मैं आपको अपनी बाहर जाके फुल लुक दिखाती हूँ. लेकिन यहाँ पे मुझे 2 मेहमान मिले हैं. हेलो, ईद मुबारक. क्या बात है, अरीफ भाई ने मेरी ईगो बूस्ट कर दिया यार. आप लोग बहुत प्यारे लग रहे हैं, सारे नंबर ज़ैनब ले गई है. ज़ैनब बहुत प्यारी लगी है, ज़ैनब का ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है, माशाल्लाह. क्या बात, क्या बात, आपका मेरा कुछ कुछ तो मैच हो ही रहा है. मोती मैच हो रहा है, मोती है. आप भी तो यार बहुत प्यारी लग रही है. आप ही ने मैंने सुना खुद मेकअप किया, दिखाओ जरा अपना मेकअप. बहुत प्यारा मेकअप किया. आप भी खुद मेकअप किया करो, खुद मेकअप ज्यादा प्यारा कर लेती हो. आई एम प्रो मैक्स, आई नो दैट अगर मैं कोई चीज करने का सोचती हूँ तो मैं बहुत अच्छा करूँ. जनरल से ड्रेस बहुत वाह 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 वाह, ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा है. और रोजे खत्म हो गए, मैं अपनी दोस्त को कह रही हूँ मैं सहरी के बाद बात करती हूँ. वो कह रही है कौन सी दुनिया में जी रही हो, सहरी खत्म, चांद रात हो गई है. ईद वाले दिन भी ऐसा ही लग रहा होता है कि आपका रोजा आपका रोजा, फिर एकदम भूख लगती है. जनरल मेरी ईदी यू गाइस, ओहो शूट शॉट करा के आओ, सबको इकट्ठा करो. वेट कर रहे हैं आपका. मैं वैसे आज हजारों में ही ले रही हूँ पैसे, लेकिन
0-0-0 थोड़े ज्यादा लगे हो अंदर। अली भाई भी बहुत ज्यादा देंगे, आप भी बहुत ज्यादा देंगे। आप दोनों बिग हो ना मुझसे, इसलिए मैं सबसे छोटा हूँ। आज मुंह मांगे पूरी होंगी। हम दोनों एक हैं। नहीं ये नहीं कमिटमेंट, बॉडी पूरा शक्लें अलग अलग, ऐसे नहीं होता ये पैसों के मामले में। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती। वैसे दोनों अगर 1 लाख दे दो मिलकर तो क्या बात है। दोनों एक नहीं है। दोनों 50,000 निकालो। 50,000 रुपए। 50,000 कह रहे हैं यार, जितने भी दो दीदी होती है। लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँ, नहीं मैं मुझे ज्यादा पैसे देना मैं कर लूंगी। एक वैसे जाने तो मम्मी के पास ही है, वो फिर मुझे जो चाहिए होता है मैं मम्मी से ले लेती होती हूँ। अभी बाहर जाते हैं शूट वगैरह कराते हैं, लेट्स गो। ओके गाइस, सो फाइनली शूट की मेरी बारी आ गई है। कब से मैं शूट की बारी कर रही थी, अब फाइनली मैं जाने लगी हूँ शूट के लिए, लेट्स गो। राबिया बहुत टाइम लगाती है यार वीडियोस बनाने में। यहाँ मुझे छोटी सी राबिया नजर आई है, वो वहाँ शूट हो रहा है इसका। मैं अभी मैं इसके पास जाके पूछती हूँ ना, शूट देखो कहाँ हो रहा है। व्हाइट प्लेन वॉल चाहिए थी यार, तो कोई और पकड़ लेते। देखो जरा घरों के प्लॉट के अंदर जाके ये शूट करा रही है। भी देखते हैं क्या सीन होता है, तो क्या सीन पार्टी होती है। भाई मैं जाती हूँ शूट कराती हूँ अपना, तो लेट्स गो। इससे भी जरा मिलते हैं, बहुत टाइम लगाती है यार। गाइज ये लड़की सुबह से शूट करा रही है और इसका अब तक शूट नहीं हुआ है। मैंने कहा ना मैं पूल भी लिखा लिया है, मेरा शूट इतना अच्छा आ रहे हैं तुमने जो पहन लिया। तो कोई बात नहीं, आते रहे पूल मेरे पूल, एक ही बात होती है ना। मैं शूट कराने जा रही हूँ तो यहीं पे ही करा, चीटिंग करती हो तुम। चलो अब हम लोग कहीं और जाते हैं, उस साइड पे आके अपना शूट कराते हैं। ओके गाइस, तो मुझे बहुत ज्यादा लग रही है भूख। मामा आपने क्या बनाया ईद पे? आज सिर्फ शूट किया है ना, तो खाली पेट ही रहो। नहीं आज इतना शूट किया है, इतनी लोकेशन पे गए हैं और फाइनली बहुत अच्छा मेरा शूट हो चुका है, सबका हो चुका है। अब ऐसा लग रहा है फील रियली रिलैक्स्ड के यार भाई अब कोई काम नहीं करना। लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। बिरयानी बनाई है। पता है इतने दिनों से मामा ने कोई बिरयानी वगैरह नहीं बनाई थी, अब जाके बनाई है। अब खाएंगे स्पाइसी नहीं बनाई थी कि ईद पे बनाएंगे। मामा ने इसलिए नीचे ला के खेली, मामा ने उन्होंने कहा पहले बना दूंगी तो सब बोर हो जाएंगे यार, तो इसलिए अब बनाई है ताकि अब बोर ना हो सारे। सब थक हार गए, अब जल्दी जल्दी से निकाल दो और खाना खाओ और सो जाओ। खाना खाओ और सो जाओ, क्योंकि शूट तो हो गया, बस अब पोस्टिंग करनी है लड़को। ओके गाइस, सो फाइनली ये टाइम आ चुका है। ये टाइम सबसे फेवरेट होता है। तो आप ही क्या लाई हो यार मेरे लिए दी? सिर्फ अभी सिर्फ पैकेट लाई हूँ, ये खोल के देखना। तो ये ईदी कब मुझे मिल रही है? अभी मिलेगी सबको, सबके कपड़ों के साथ की चीजें मिलेगी। और गाइस फातिमा आपकी ईदी कहाँ है? मुझे ईदी मेरी दो। सारे घिरे हुए बने हुए इसमें, मैं घिरा हुआ बंदा। राबे यार दो मेरी ईदी, वेयर इज माय ईदी? ठीक है मामा मेरी ईदी सब तुम्हें देंगे, तुमने अपने व्लॉग में सिर्फ गिनती दिखानी है। अच्छा सब यार ईदी देंगे अपने अपने व्लॉग में, लेकिन मैं सबकी दिखाऊंगी मुझे किस किस ने दिया। मतलब मैं दिखाऊंगी ना यार मुझे किस किस ने कितनी दिया, देखते हैं सबसे ज्यादा मुझे कौन देता है। एक्सपेक्ट तो मैं हिरापे से कर रही हूँ सबसे ज्यादा, मेरी है ना मुझे ज्यादा। मैं भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ, मुझे भी हिरापे छोटा होना, मैं तो कैसे दे सकता हूँ आपको। क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ यार, मुझे क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ मैं आपको, क्या दूँ इरा भी, क्या एक्सपेक्ट कर रही हूँ। दे दे मेरे पास पैसे है ही नहीं, उसमें ईदी दे सकते। क्या बोले, अपना व्लॉग उस दिन इसने बनाया और पैसे ले गया, और वो वाली ईदी मुझे चाहिए। जितने ज्यादा इसने पैसे दतीलिया थतीलिया इकट्ठी क्यों ही देना, वो सारी मुझे पैसों में चाहिए। सारी बांटनी या आज जो सारी बांटेगी फिर मैं आपको दिखाऊंगी मुझे कितनी ईदी जमे। मेरी सारी दोस्तें पूछ रही है कि मेरी ईदी कितनी, उन्होंने दी है ना, एक ने झुमके दिए थे वो वाली दी थी, और वो मैं दिखा, वो तो मैंने पहले दिखा दी हुई है। लेकिन खैर मेरी बाकी सारी दोस्तें कह रही है कि जैनब कितनी ईदी जमा हुई है। मैंने तो तुम्हारी बातें सुनी, तुम्हारी दोस्तें कहती जैनब हमें क्या दे रही हो ईदी। मम्मा मैंने लड़की अपनी एक दोस्त को शर्ट लेकर दिया है, एक दोस्त को चूड़िया लेकर दिया, ऐसे कैसे यार सारे कह सकते हैं, झूठ बोलते हैं सारे लोग। खैर अब हम लोग अपनी ईदी वगैरह देखेंगे कि मुझे कितनी ईदी सिलेक्ट हुई है, क्योंकि सारे लोग पूछ रहे हैं भाई तुम्हें ईदी कितनी मिली है। मैंने कहा मेरी तो ईदी अब स्टार्ट हुई है शूट के बाद, तो अभी खाना खाते हैं ईदी लेंगे सबसे, तो लेट्स गो। गाइस अभी मैं जा रही हूँ फातिमा के साथ बाहर, सही है उसकी फ्रेंड के साथ। तो राबिया तुम्हारी ईदी अभी पेंडिंग पड़ी हुई है। दे दूंगी सब्र कर लो, दे दूंगी। लेकिन तुमने मेरे साथ जो प्रैंक किया ना गाइस, के व्लॉग में जाके देखो, इसे बहुत गंदा वाला मैच हम सबके साथ प्रैंक किया। लेकिन मुझे राबिया मेरी ईदी चाहिए। ठीक है दे दूंगी सब्र कर लो। ईद आप मुझे ये बताओ, मैं सबसे जाके पूछ रही हूँ कि ईद आपकी कैसी गुजरी, आज की कैसी गुजरी? आज की अच्छी नहीं। सेम यार, पूरा दिन हम शूट करते रहे सुबह के टाइम, नहीं आई ईद की फील है ना। ना यार वो बचपन की, अभी भी छोटा ही हूँ लेकिन यार जब वो बहुत छोटे थे, नानों के घर जाते थे, मामू के घर जाते थे। आज भी मामू आए थे लेकिन वो चले गए थे जल्दी। आते हैं कजन्स के यहाँ खेलते, लेकिन कोई सोशल लाइफ नहीं होती, मतलब टेंशन नहीं होती। इंस्टा पे पिक्चर पोस्ट करनी है, व्लॉग डाले यूट्यूब पे, तो ये टेंशन नहीं होती। इसके अलावा तो यार ईद तो, लेकिन आज भी बस नॉर्मल थी, ठीक थी। अब देखते हैं कल कैसी गुजरती है। कल शायद हम लोग आप ही वगैरह के घर जाएँ,
तो पता नहीं आप ही आती है, हम जाते हैं, हम कहीं बाहर मूवी देखने जाते हैं, पता नहीं क्या जो भी होता है, ऐसे ऐसे आपको दिखा दूंगी। आप ही तो चली गई है यार अब घर, ठीक है, और आप ही ने जो मुझे ईदी दिया वो मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मैं एंड पे व्लॉग के एंड पे सब आपको ईदी दिखाऊंगी। रावी भी जब दे देगी, फातिमा भी जब दे देगी, हिरापी भी जब दे देगी। यार छोटे होने का ना एडवांटेज होता है कि जल्दी जल्दी से ईदी वगैरह मिल जाती है, तो लेट्स गो। ओके गाइस, तो मैं फातिमा के साथ बाहर गई थी, सही है, अब तोड़ने के लिए गई थी और वापस अब मैं आ गई हूँ। तो फाइनली गेस करो मुझे अभी कौन ईदी देने लगा है। मम्मी मेरी ईदी मुझे देने लगे, बाकी सारे मुझे डिट कर आ गए। किसी को ईदी नहीं देती, तो तुम बड़ी लकी हो, बच्ची समझ के तुम्हें दे। हिरापी इतनी प्यारी तो लग रही है साथ खड़ी, लो ये कह रही मुझे भी दो। हिरापी मैंने कॉम्प्लीमेंट मारा आपको, सुना ही नहीं है यार हिरापी ने कॉम्प्लीमेंट, इतना इग्नोर होना है बस। मैंने सुन लिया कि प्यारी लग रही है। हाँ थैंक यू, यार वेलकम। क्या मैं सिर्फ बच्चों को ईदी देती हूँ, बच्चों वाली ईदी। अगर ज़ैनब की ईदी तुम्हें पसंद आई तो तुम्हें भी मिल जाएगी। मम्मा मुझे 10,000 नहीं 20,000 चाहिए। मैं आपकी ईदी ले चुकी हूँ पहले। क्या दिया मम्मा ने? इस तरह वाली ईदी क्या दोबारा दे? गाइस मुझे मम्मा ऐसी मुझे ऐसी ईदी रोज मिलती है, 100 भी नहीं चाहिए मुझे, पैसे ही नहीं चाहिए। रोज रात को सोने से पहले मुझसे लेती है। अब मैं मामा को ईदी देने लगी हूँ। Hey, you guys are doing क्या? यही ईदी चाहिए और कुछ नहीं। अबे वो क्या लाइन थी? मेरे हाथ में बैग है, कोई असला तो नहीं? चुम्मी शुम्मी दे दू, कोई मसला तो नहीं? गाइस कमेंट में बताओ, चुम्मी शुम्मी दे दू, कोई मसला तो नहीं? कोई रोकने वाला नहीं है यार, मेरी ना जुबान पे चढ़ा पड़ा है। सब आंखें बंद कर लो, जरूर के लिए ईदी आने लगी। जल्दी से ईदी निकालो मेरी, आईज बंद कर लेता हूँ, ईदी आने लगी है मेरी। कौन कौन सुनता है यार? जैनब के लिए मैंने स्पेशल ईदी मंगवाई है, पता नहीं किस किस को क्या कह के दिखाओ। ये इम्पोर्टेड ईदी मम्मा, ये तो प्रैंक होना जैसे ही रापी हंस दी है। पापा को कह के डॉलर मंगवाए मैंने कहा एक ही मेरी छोटी बेटी रहेगी, इसको तो डॉलर देना बनता है। दिखाएं मम्मा, जल्दी दिखा रहे। लेकिन खुशी से कबूल करनी है। प्रैंक हुआ तो मैंने नहीं खुली, नहीं असल वाले रियल वाले नोट है। लेकिन ये तो बताओ कितने पता लगे? सिर्फ 1,000 रुपया हो जनाब, इतने भी काफी है, मुझे तो नहीं चाहिए। मुझे जरा कितने कहा था मैंने इसकी बात सुनी, इसने कहा था मैं सबको बताऊंगी गाइस अपने व्लॉग में कि मुझे कितनी ईदी मिली। मैंने कहा गिनते गिनते थक जाएगी, बस यही गिनती रहे तेरा व्लॉग। कितनी है यार ये? गिनो, अब गिन के बताओ लोगों को। नहीं नहीं नहीं, यही तो तुम तुम्हारा काम है। 1,000 एक, 10, 20, 30, 40 50 वही मैं कह रही हूँ गिनती है। अम्मा बता दो यार ऐसे। यार नहीं, गिन के बताना खुद ही। गिन के आपको, गिन के ये मैं थक चुका हूँ। 2,000 ईदी दिया मम्मा ने, मैं गिन गिन के थक गया। मम्मा 2,000 ईदी दिया सिर्फ आपने। बच्चों को चूना लगाना चाहते हैं ना, इस तरह के नोट लाए और दे बच्चे गिनते 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 गिनते। बच्चों ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो। मम्मा से कहा करो 10-10 के नहीं, 100-100 के ज्यादा सारी दत्ती देना। मम्मा मुझे यही दिए मम्मा, मैंने 10-10 रुपए वाली रखी नहीं। सारे कैसे बिखेर दी, इकट्ठे करो यार। गिनने में मेरा दिमाग खर्च हो गया। मैंने नहीं, मुझे मुझे मेरी ठीक ईदी चाहिए, मैं आपसे नाराज हूँ। जाए ये तो तेरे साथ छोटा सा प्रैंक किया। जल्दी ला कर दे मम्मी, जल्दी दे मम्मी, अब रियल वाली लाती है। क्या याद करोगे आप? किन्ने भी नहीं है, देखो अब मैंने सारे तुम्हारे अच्छे नोट ये दिखाए। जरा मम्मा ये भी कम लग रहे हैं मुझे, 100, 200, 300 पता नहीं कितने, मेरा दिमाग खर्च हो रहा है। जितने भी अब सही है, 2,000 इसको मिला लो तो 5,000 टोटल हो ही जाएंगे। खैर चलो ठीक है, मम्मी की तरफ से 5,000 एक नोट देने से बजाय देखो कितनी ईदी जैनब को मैंने अकेले मिक्स नहीं करो इसको, ज्यादा दिया 5,000 दिया। पापा कैसे की मम्मा ने? नहीं जी चुप करो, पापा को भी कॉल करके बताना है कि ईदी मेरी दो। कहते हैं ना मेरे बचपन के दिन ऐसे ही, बचपन के पैसे। यस एग्जैक्टली, पापा को भी कॉल करके मैंने उनसे कहना है मेरी ईदी दो। गाइस यार हाइलाइटर बहुत ज्यादा लग चुका है आंखों के नीचे, वो फैल गया तो उसको इग्नोर कीजिएगा। ओके गाइस फाइनली राबे ने भी मुझे ईदी दे दिया। गेस करो राबे ने मुझे कितनी ईदी दी है? मैंने तुम्हें इतनी दिया कि जितनी तुम चलाक हो। 10,000 10,000 गुना चलाकू, फिर ठीक है शुक्र करो 50,000 नहीं दी। वैसे दे भी देती तो मैं मान जाती भाई मैं चलाक। अगले साल 50,000 अगले साल 50,000 अगले साल मैं डॉलर में एक्सेप्ट करूंगी, वो भी $1,000। अपना मुंह देख कर आओ पहले। बहुत बार देख चुकी हूँ, सुबह से वही देख रही हूँ। खैर इससे मुझे 10,000 दिया। अभी रापी की बारी, रापी मेरी ईदी दो। सबसे बस ईदियाँ मांगना, देना किसी को। मैं छोटा होना, मैं किस किस
को दू जा रही थी अब नहीं किसी को तो दो ना मुझे दे दो मम्मा को दे दो पापा को दे दो तू मेरा पुत्र डैडी को दे दो यार डैडी को दे दो मेरी तरफ से ईदी पकड़ो सबसे मुझे ईदी वगैरह मिल चुकी है 40,000 रुपीज मेरी ईदी जमा हुई है सही है फातिमा ने भी मुझे 10,000 रुपए ईदी दी है ठीक है अब मैंने सारी की सारी वो जमा करके रख दी है वो अलग बात है मैंने सारी मामा को दे दी है फिर जब कुछ चाहिए होगा मैं ले लूंगी अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और दूसरे दिन के लिए मुझे कमेंट करोगे मैं दूसरे दिन कुछ बनाऊँ या नहीं कोई आइडिया ही दे दो यार ओके बाय बाय।